हे गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर ट्यूनिंग टू मिस्टर मैन। और आज आए हैं हम लोग, ये आप व्यू देख लो और समझ जाओ, गंगा घाट के उस पार जा रहे हैं। यस, उस पार। आज आपको मैं घाट के ऐसे ऐसे सीन्स दिखाऊंगा, मतलब पूरा ओवरव्यू दूंगा। आप मेरे पीछे देख लो यार, क्या नजारा है। और यहाँ सनसेट हो रहा है। तो गाइस, यहाँ से पूरे घाट का ओवरव्यू दिख रहा है। आप ये देख लो, इधर मणिकड़ी का घाट है, यहाँ पे लाशें जलती हैं। ये हम लोग राजेंद्र प्रसाद घाट से होके आए हैं और गंगा जी के इस पार जा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख लो, क्या ब्यूटीफुल सनसेट है यार। जाने वाले हैं उस पार और करते हैं थोड़ी मस्ती। एक और फ्रेंड है हमारे साथ। गाइस, आ गए अब गंगा जी के उस पार और अब करते हैं थोड़ी मस्ती। और आज हमारे साथ एक और फ्रेंड है जो कि मुंबई में फिल्म मेकिंग और स्टूडियो में काम करते हैं, थोड़े से मॉडल टाइप के बंदे हैं। और अपने दोस्त भी हैं, नए दोस्त बने हैं वो भी, तो उनको भी आज ब्लॉग में दिखाते हैं। भाई साहब, एक्टर लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बड़ा बड़ा अपना चैनल बन रहा है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये भी है, हेलो भाई, मस्त। और बताओ, ये कहाँ गई बंदी? कैसी हो? बढ़िया है। हम शूटिंग करने का गाइस, घाट के हम लोग इस पार आ चुके हैं और मेरे फ्रेंड्स उधर चिल आउट कर रहे हैं और मैं इधर आया, सोचा कि कुछ सीन्स ले लूं। और धीरे धीरे सनसेट हो चुका है पूरा, वैसे सनसेट हो ही चुका है आप देख लो। और इधर का यार व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब भी मैं गंगा जी के इस पार आता हूँ ना, खासकर बनारस में, तो यार यहाँ पे बस यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। अब तो रात हो रही है, धीरे धीरे लाइटें जल रही है, आप घाट की देख रहे हो, तो लाइट्स की भी मैं आपको सीन दिखाऊंगा। काफ़ी ठीक ठीक यहाँ पे मतलब घाट है और काफ़ी अच्छी आरती होती है। दशाश्वमेध यहाँ का बहुत फेमस घाट है। आप देखो, ये मेरे पीछे जो घाट है ना, ये वाला, ये दशाश्वमेध घाट है। तो यहाँ का मैं आपको शॉट्स दिखाऊंगा कुछ अच्छे अच्छे, और उसके बारे में फैक्ट्स बताऊंगा, आरती भी दिखाऊंगा। यार दशाश्वमेध की आरती मैंने नहीं दिखाया, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था तो अपने ब्लॉग में, गंगा आरती वाला ब्लॉग देख चुके हो तो देख लो। अगर आपने गंगा आरती वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप गंगा आरती वाला ब्लॉग देख सकते हो, मेरा आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। तो उस पर मैंने 80 घाट वाली आरती दिखाई थी और ये दशाश्वमेध वाली आरती है, तो ये वाली आरती ज़रूर देखना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। और जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो इसी घाट पर अपनी आरती मतलब देखते हैं। और अब सनसेट हो चुका है, देख रहे हो आप पीछे की, मेरे पीछे कैमल्स हैं और हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे होती है। 50-50 रुपए में यहाँ पे हॉर्स राइडिंग लोग करते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, एक तरह से पिकनिक की तरह है। आप आ सकते हो यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हो। मेरे गाइस वहाँ पे ऐसे बैठ के, ये देखो आप चल आउट कर रहे हैं, मस्त फोटोज़ वोटोज ले रहे हैं। भाई मेरे साथ आज हैं ये ब्रदर और ये मुंबई फिल्म स्टूडियो में काम करते हैं। तो आप बताइए भाई, आपका स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहा है, आप क्या कर रहे हो? कुछ आप उसे स्ट्रगलिंग नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो बहुत इन्जॉयमेंट मोमेंट है। और मैं बनारस में हूँ, रहता हूँ मैंने वाराणसी। यू कैन सी एवरीथिंग हियर, दिस इज़ द होल फील्ड। अगर आपको लगता है कि यहाँ जगह नहीं है किसी के पास, तो यू कैन सी सो मच प्लेस आर देयर फॉर आर इंडस्ट्री। एंड यू कैन वी कैन मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं। एंड नोबडी हैव टू गो एनीवेयर बिकॉज, एंड दिस इज़ अ ब्रो, ही इज़ लोकल फ्रॉम हियर एंड इज़ डूइंग वेरी वेल। थैंक यू ब्रो। तो भाई हमारे साथ हैं और इन्होंने, ये एक आर्टिस्ट है, इन्होंने एक मूवी भी शूट की है, अशोक वाटिका। आप YouTube पे आप देख सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब आई वॉज मीन्स, मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीस है फॉर आर्टिस्ट। एवरीबडी वॉन्ट टू कम हेयर बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन बी लिव योर लाइफ फ्रीली एंड यू कैन वॉच मी एज वेल एज इन वीडियो, हाउ कैन वी आर इन्जॉइंग हियर। वो नजरों के आगे नजर देख पाती, वो लहरों के आगे नजर देख पाती, तो तुम जान जाती कि मैं क्या सोचता। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है, मैं घाट किनारे सो जाऊं सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं। थैंक यू। बोली बाय। अब हम लोग
इस पार आ चुके हैं और ये है मानसिंह की ऑब्जर्वेटरी, और अगले व्लॉग में हो सके तो हम लोग आए नेक्स्ट व्लॉग में किसी, तो इस ऑब्जर्वेटरी में हम लोग अंदर जाएंगे और इस ऑब्जर्वेटरी में क्या है कि स्पेस की चीज़ों की रीडिंग होती है, तो वो चीज़ आपको व्लॉग में दिखाएंगे। और आगे के व्लॉग जो आने वाले हैं भाई काफ़ी जहर आने वाले हैं, हो सके तो एक आध मैं कोलैबोरेशन भी करूँ कुछ लोगों से, तो व्लॉग पे बने रहिए। गाइस अब चलते हैं डोसा खाने, भूख लग गई है थोड़ी सी, तो डोसा खाते हैं और आपको डोसा के शॉट्स दिखाते हैं और आपको थोड़ा सा ललचाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आए हैं डोसा खाने, अब अंकल के यहाँ डोसा खाते हैं और फिर आपको सीन दिखाते हैं। भूख बहुत तेज़ की लगी है। तो गाइस अब ये जा रही है घर और ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। बोल बाय बाय, इनके चैनल को सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो अगले पे हम लोग मानसिंह के ऑब्जर्वेटरी पे जाएंगे, वहाँ पे स्पेस रीडिंग होती है, वो वाली आपको ब्लॉग दिखाएंगे। और आगे की जितने भी ब्लॉग्स आने वाली है काफ़ी जहर आने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको। और भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो सब ज़रूर करना।